बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोर्ड से कहा कमेटी की सिफारिशें न मानने वाले स्टेट एसोसिएशन का रोका जाए फंड, अनुराग ठाकुर से मांगा निजी हलफनामा। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने किया विरोध, कहा पर्सनल लॉ से महिलाओं का संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते। राहुल गांधी के बयान ने लांघी सारी सीमाएं, खून की दलाली वाले बयान पर अमित शाह ने बोला हमला, पूछा क्या दलाली शब्द सेना के लिए था। दिसंबर 2018 तक पूरी तरह सील होगी भारत पाक सीमा, बनाया जाएगा चार राज्यों का बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड, जैसलमेर में गृहमंत्री की घोषणा। आईफोन 7 के दीवानों का इंतजार हुआ खत्म, आज शाम 7 बजे से भारत में बिकेंगे आईफोन 7, 7 प्लस, बिक्री के लिए एप्पल ने किया फ्लिपकार्ट के साथ करार। आखिरी घंटों में बाजार में रिकवरी, सेंसेक्स 28,000 के पार, बंद होने में कामयाब, सेंसेक्स 45 ने की 12 अंक गिरकर बंद। आईटी टेक शेयरों पर दबाव, ऑयल एंड गैस शेयरों में जबरदस्त मुनाफा वसूली। स्पेक्ट्रम नीलामी को सुनील भारती मित्तल ने बताया सफल, कहा पारदर्शी और ठीक ढंग से हुई नीलामी, सरकार को मिले 65,000 करोड़। एनसीडीआरसी ने दी होम बायर्स को राहत, 1 करोड़ से कम कीमत की प्रॉपर्टी वाले बायर भी जा सकते हैं एनसीडीआरसी ग्रुप में करनी होगी शिकायत। अगले 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, शनिवार रविवार के बाद दशहरे मुहर्रम की छुट्टी के चलते 12 अक्टूबर तक बंद रहेंगे बैंक। एडवांस टैक्स के मामले में सलमान खान साबित हुए सुल्तान, 2016 की पहली छमाही में 16 करोड़ रुपए चुकाया बतौर एडवांस टैक्स, अक्षय कुमार को छोड़ा पीछे।